देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। अब दिल्ली में कोरोना वायरस का विस्फोट देखा जा रहा है। दिल्ली में पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पहली बार 24 घंटों में कोरोना मरीजों की संख्या 3000 के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 को पार कर गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 3,137 कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 50,000 को पार कर 53,116 पर पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ती जा रही है। वहीं अब दिल्ली में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम क्वारंटाइन पर रोक लगाते हुए संस्थागत क्वारंटीन करने को मंजूरी दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों को होम क्वारंटीन करने पर रोक लगा दी है। वहीं अब कोरोना संक्रमित मरीजों को पहले 5 दिन अनिवार्य संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आदेश पारित किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आदेश पारित किया कि जिन लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आए उन्हें 5 दिनों तक हर हाल में सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। दुनिया भर के लोग कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे हैं। वर्डोमीटर के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना से 4,62,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 87,57,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 46,25,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में कोरोना से 1,21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 22,97,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। WHO के चीफ ने कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है और कल एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। WHO प्रमुख टेड्रोस अधानम ने कहा कि नए मामलों में से लगभग आधे उत्तर और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से हैं। दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया से भी मामले काफी ज्यादा हैं। उन्होंने कहा, हम नए और खतरनाक स्टेज में हैं। महामारी को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक कदमों की अब भी आवश्यकता है। अनेक लोग घर में रहने से निराश हैं और देश अपने समाजों को खोलने के लिए एक्साइटेड है। ब्राजील दुनिया का ऐसा दूसरा देश बन गया है जिसने अपने यहाँ कोविड-19 के 10 लाख से अधिक मामले होने की पुष्टि कर दी है। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 54,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि की। लगातार चौथे दिन 1200 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 49,000 के करीब पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि टेस्टिंग की कमी के कारण यह संख्या अभी कम है और इस देश में कोरोना वायरस का पीक आने में हफ्तों बचे हैं।